दोस्तों, हमारी बॉडी में 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं और वही 13 क्लोटिंग फैक्टर्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन उन्हें याद कैसे रखा जाए, तो आज मैं वही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और आप 13 क्लोटिंग फैक्टर्स बिल्कुल सीरीज में याद रख पाएंगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना है यार, ठीक है, स्किप मत करना। देखो, जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, प्रो कोआगुलेंट फैक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो क्लोटिंग में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। पहला फैक्टर फिब्रिनोजन होता है, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रोएक्सिलरिन, ये सब नाम आपको याद होंगे, ठीक है। अब सीधे से आ जाते हैं ट्रिक पे। देखो, ट्रिक ये है, फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज अराइव सून एट चंद्रशेखर पुराना हॉस्पिटल फिरोजाबाद, ठीक है। तो देखो, अब आप इस ट्रिक का यूज कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फोर का एफ देखो आप, एफ से क्या हो जाएगा, फिब्रिनोजिन, ठीक है। पी पी से क्या हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन। टी फोर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ओफ को आप रहने दो, ठीक है। कैंसर का सी अगर हम देखें तो कैल्शियम, प्लीज का पी प्रो एक्सेलरिन, ठीक है। यहां पर आप अराइव को रहने दीजिए, क्योंकि अराइव से वैसे तो एक्सेलरिन होता है, लेकिन जो एक्सेलरिन होता है उसका एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, यानी सिक्स फैक्टर जो है उसे माना नहीं जाता, उसका नाम नहीं लिया जाता, लेकिन 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसलिए हम अराइव को याद नहीं रखेंगे, लेकिन सून का ऐसा आप देखो तो इसका होता है स्टेबल फैक्टर। एट का ए एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, सी फोर क्रिसमस फैक्टर, एस फोर स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, पी फोर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट, और हॉस्पिटल का एच तो हेगमैन फैक्टर, एंड फिरोजाबाद का एफ दिस इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। तो यार, एक बेसिक सी ट्रिक थी, आप इसके थ्रू पूरे 13 के 13 क्लोटिंग फैक्टर्स वो भी सीरीज में याद रख सकते हो, है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको जानना है नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं तो वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।